यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ डिफरेंसेस बिटवीन IoT एंड M2M ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। M2M में जो भी डेटा रहता है वो डेटा कलेक्टेड होता है इन पॉइंट सॉल्यूशंस पे, यानी कि जिस लोकेशन पे या फिर जिस प्रीमाइसेस या जिस बिल्डिंग के अंतर्गत M2M की मशीन इंस्टॉल्ड या फिर डिप्लॉयड होती है, वहीं पर ही M2M का डेटा जो रहता है वो कलेक्ट हो जाता है। और जब वो डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उस डेटा को एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस, यानी कि जहाँ पर जिस प्रीमाइसेस में M2M का सिस्टम इंस्टॉल है उन्हीं प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को जो है एक्सेस किया जाता है। अब यदि हम ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि एक हो सकता है आपका डायग्नोसिस एप्लीकेशन। ये जो डायग्नोसिस एप्लीकेशन है ये मेडिकल फील्ड्स में भी इस्तेमाल होता है और प्रोडक्शन फील्ड्स में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन है वो है सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये ज़्यादातर जो भी सर्विसेज दिए जाते हैं M2M मशीन्स के द्वारा, उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ यदि हम एग्जांपल्स की बात करें जो कि ऑन प्रीमाइसेस से रिलेटेड रहते हैं, एक तरीके से ऑन प्रीमाइस एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ये जो जब भी हम बात करते हैं ऑन प्रीमाइस एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये जो एप्लीकेशंस रहते हैं ये एप्लीकेशन थोड़े से लार्ज लेवल के होते हैं, लार्ज स्केल के, यानी कि बड़े पैमाने पर इनका यूज़ किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज या किसी स्पेशल बड़ी कंपनी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ M2M के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशंस। इसके बाद यदि हम IoT सिस्टम्स के एप्लीकेशन देखें तो वो किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो IoT का जो भी डेटा है वो कलेक्टेड होता है कहाँ पे कलेक्टेड होता है, क्लाउड पे कलेक्टेड होता है। तो क्लाउड पे यदि कलेक्टेड होता है तो उस तरीके के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। जैसे कि, और ये एप्लीकेशन किस तरीके के वर्क कर सकते हैं, ये एप्लीकेशंस हो सकते हैं एक तरीके से एनालिटिक्स एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो क्या करेंगे, जो भी क्लाउड पर डेटा स्टोर्ड है उस डेटा का एनालिसिस करेंगे और यह देखेंगे कि यह डेटा कितना यूज़फुल है, कितना इम्पैक्टफुल है और इस डेटा का साइज़ कितना है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस इसमें किए जाएंगे। तो ये होता है एनालिटिक एप्लीकेशंस। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन अगेन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाएंगे, जहाँ पे जो डेटा है कई GBs या TBs में हो सकता है, गीगाबाइट या टेराबाइट में हो सकता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी हो सकता है, जहाँ पर मैनेज करने के लिए हमें बड़े लार्ज एप्लीकेशन चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को। इसके अलावा एक और हो सकता है रिमोट डायग्नोसिस। तो रिमोट डायग्नोसिस जो है ज़्यादातर प्रोडक्शन फील्ड में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर रिमोट डायग्नोसिस का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मशीन्स हैं उन मशीन्स का हम रिमोटली एनालिसिस कर सकते हैं कि वो मशीन कितनी यूज़फुल हैं और कितने अच्छे ढंग से वर्क कर पा रही हैं, ये हम रिमोटली एनालिसिस या रिमोट डायग्नोसिस के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो IoT से रिलेटेड हैं, वो हैं अगेन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। अब मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो रहेंगे उनसे अगेन सर्विस को, प्रोडक्ट्स को या फिर प्रोसेस को मैनेज करने का टास्क किया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं,
IoT में जो भी एप्लीकेशंस यूज होते हैं उन एप्लीकेशंस का जो है वो स्केल हमेशा मैसिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो IoT में जो भी डेटा यूज़ होता है, IoT में जो भी डेटा यूज़ होता है वो बहुत मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है कई बार। इसलिए IoT में जो एप्लीकेशंस यूज़ किए जाएंगे वो ऐसे इस तरीके से कैपेबल होंगे जो मैसिव डेटा को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और IoT में जो भी डेटा रहता है वो ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड होता है, यानी कि यदि डाटा बहुत ज़्यादा है तो वो क्लाउड पे स्टोर ज़रूर होता है। और ये जो डेटा स्टोर होता है ये रियल टाइम में स्टोर होता है, यानी कि लगातार यदि कुछ भी उसमें अपडेट आ रहा है तो फ्रिक्वेंटली उसमें अपडेट भी होता रहेगा लगातार। और जैसे जैसे डेटा स्टोर होता रहता है, जैसे जैसे डेटा स्टोर होता रहता है वैसे वैसे पैरेलल उस डेटा का बैच डेटा एनालिसिस भी चलता रहता है, बैच डेटा एनालिसिस भी कंटिन्यू रहता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वे में अपने प्रोडक्शन को और बेटर बना सकें। और इस बेस्ट डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है फ्रेमवर्क। यहाँ पर फ्रेमवर्क से मतलब है टेक्नोलॉजी से जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस को और बेहतर बनाने के लिए बेस्ट डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है।